नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज मतदान जारी। सुबह 10 बजे तक 12% रहा मतदान। भगवंत मान, घुग्गी, सुच्चा सिंह समेत कई नेताओं ने डाला वोट। गोवा की 40 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी में डाला वोट। गोवा में शुरुआती 2 घंटे हुआ ताबड़तोड़ मतदान। सुबह 9 बजे तक 15% मतदान दर्ज। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर के बिगड़े बोल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तुलना किसी दफ्तर की पड़ी पुरानी फाइल से की। सोनकर ने कहा, कांग्रेस चुनाव के समय प्रियंका गांधी को धोपोछ कर बाहर निकालती है और चुनाव खत्म होते ही दफ्तर में दाखिल कर देती है। आज भी यूपी में पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम मोदी आज मेरठ में करेंगे चुनावी रैली। 18 विधानसभा सीटों के मतदाताओं से पीएम बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की करेंगे अपील। राहुल अखिलेश के हमले का दे सकते हैं जवाब। ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म काबिल पाकिस्तान में रिलीज। पहले दिन रही हाउसफुल। फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने जताई खुशी। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों के लिए दोबारा खोले अपने दरवाजे। भारतीयों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ईरान के मिसाइल परीक्षण से भड़के ट्रंप ने दी चेतावनी। कहा, आग के साथ खेल रहा ईरान। ओबामा की तरह दयालु नहीं हूं मैं। ईरान ने सुरक्षा के मकसद से परीक्षण को बताया था जरूरी। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।